स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के इजी तरीके को बताऊंगा और आप कैसे एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो कम समय में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहां पे न्यूमेरिकल्स देख रहे हो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का ये न्यूमेरिकल है जिसमें कि आपको दो आइटम फाइंड आउट करना है। पहला आइटम क्या है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, और दूसरा आइटम क्या है, नेशनल इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं डोमेस्टिक इनकम का जो एग्रीगेटिव नेम है, पहले उसको लिखते हैं। इसका एग्रीगेटिव नेम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट, डोमेस्टिक इनकम का जो आपका एग्रीगेटिव नेम है वो क्या है स्टूडेंट, एनडीपी एट एफसी। और दूसरा क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एग्रीगेटिव नेम क्या है स्टूडेंट्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक इनकम का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं पर्टिकुलर्स में, क्वेश्चन में क्या पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने जीडीपी एलपी दिया है 70,150, और उसके बाद आपके सामने अप टू यहां तक सब्सिडीज तक आपके पास पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। बहुत ही इजी वे में और एक्सेप्ट आंसर फाइंड आउट करना है, बस आप इसको पूरा देखिए इस वीडियो को। ठीक है, कैसे आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा देखिए स्टूडेंट्स। पहले आपको देखिए, आपके सामने जो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर्स में जो एग्रीगेट दिया हुआ है वो क्या दिया है, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी मैं यहां पे बस उतार देता हूं, जी डी पी एट मार्केट प्राइस कितना दिया स्टूडेंट्स, 70,150। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने जीडीपी एमपी कितना दिया, 70,150। अब हमें जीडीपी एमपी से कहां जाना है, एनडीपी एफसी पे, और कहां जाना है बताइए, एनडीपी एफसी पे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पहला मूवमेंट मेरा होगा वो ग्रॉस से कहां होगा, नेट पे होगा। और याद करिए स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ग्रॉस और नेट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स वो क्या है, डेप्रिसिएशन। उसका अनदर नेम रिप्लेसमेंट काउंट, अनदर नेम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप पिछले वीडियो को आप सर्च करके देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम मूव कहां करेंगे, ग्रॉस से नेट पे। आइए मूव करते हैं, हम पहले गए ग्रॉस से नेट पे। तो नेट पे जब जाएंगे तो इसको इनसर्किल कर देंगे, और इनसर्किल करने का जो मेन उद्देश्य है वो केवल यही है कि हमें इसी पे केवल कंसंट्रेशन करना है, बाकी चीजें एज इट इज मेरे को उतार देनी है। ठीक है, देखिए मैं यहां पे नेट लिख दिया, ग्रॉस से नेट पे गया, और ये डी पी एम पी एज इट इज उतार दिया। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि नेट के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बताएंगे आप, डेप्रिसिएशन। तो नेट में माइनस होता है डेप्रिसिएशन, और यहां पे मैं डेप्रिसिएशन लिख दिया, और बाकी चीजें एज इट इज मैंने यहां पे उतार दी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एज इट इज मैंने उतार दिया। अब बताइए स्टूडेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या दी हुई है, 70,150। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 70,150। और डेप्रिसिएशन देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दूसरे नाम से बताया है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो देखिए कितना दिया है, 3100। अब इसमें से मैं माइनस करता हूं, 0, 0, 0, 10, 5, 5, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, और ये 67,050। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला स्टेप क्या होगा मेरा डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने के लिए, देखिए एन डी पी, एन डी पी मतलब कि मेरे पास एनडीपी आ गया है, क्या है, एमपी, यहां पे एमपी है, और यहां पे क्या है, एफसी, मतलब कि एनडीपी तो आ गया है डोमेस्टिक इनकम का कुछ पार्ट, और एमपी से कहां जाना है, एफसी पे। तो कुछ नहीं करना है मुझे यहां पे, बस हमको एक एरो बनाना है नीचे की तरफ, ठीक है, और वहां पे लिखना है एफसी, और एफसी पे मुझे गोला कर देना है, और बाकी चीजें एज इट इज उतार देनी है, एन डी पी एफसी।
अब बताइए स्टूडेंट्स एनडीपीएफसी अब बताइए फैक्टर कॉस्ट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, जो फैक्टर कॉस्ट के लिए जो आपका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है या आईटी माइनस सब्सिडीज क्या दिया है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स यही मिल गया और सब्सिडीज यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या करना है माइनस आईटी माइनस सब्सिडीज। ओके, और बाकी ये वाली चीजें एनडीपी एमपी यहाँ पे मुझे उतार देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एनडीपी एमपी की जो वैल्यू दी है, एनडीपी एमपी की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट 67,050। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है क्वेश्चन में 5200 और सब्सिडीज 4000, तो मतलब ये कितना हो गया। अब ब्रैकेट खोलते हैं 67,050 माइनस 5200 प्लस, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा 4000। ठीक है, तो 67 में 4 पहले मैं जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, तो 500 11 ठीक है 6 7 माइनस 5200 10 में से 2 गया 8, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया 0, 10 में से 5 गया 5, ओके, और ये हो गया 6, तो 65,850 इज द एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे 65,850 रुपीस करोड़, क्योंकि यहाँ पे दिया है रुपीस करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है, आपको एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना था, दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। आपके सामने जीडीपी एमपी दिया था, आप जीडीपी एमपी की मदद से पहला आपने क्या किया नेट, नेट के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल माइनस डेप्रिसिएशन मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके पिछले वीडियो में बताया था, आप उन वीडियोस को नहीं देखें तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ग्रॉस नेट के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल डेप्रिसिएशन, नेट के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये मैंने लिख दिया माइनस 3100 और 70,150 माइनस 3100 दैट इज 67,050। देन आफ्टर व्हाट एनडीपी आ गया, एमपी से मेरे को एफसी पे जाना है, एक एरो बनाया और केवल फोकस किया मैंने फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल दैट इज द आईटी माइनस सब्सिडीज और उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया और आपके सामने आंसर आ गया एनडीपी एफसी दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा था इसमें नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम के लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट यहां से भी मूव कर सकते हो, जीडीपी एमपी से भी आप मूव करके एनपी एफसी पे जा सकते हो, या आप यहां से भी मूव कर सकते हो एनडीपी एफसी है तो यहां पे एनएनपी एफसी पे जाना है। ठीक है, देखिए मैं इसी से जाता हूं क्योंकि यहां पे क्या है आप कम समय में एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एनडीपी एफसी आ गया है, एक स्टेप केवल चलना है, एक स्टेप, डी से कहां जाएंगे एन पे, एन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट नेशनल, और नेशनल के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड और बाकी चीजें एज इट इज उतार देंगे। नेट उतार दिया मैंने और ये क्या उतार दिया पी और ये एफसी एज इट इज उतार दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स बाकी चीजें एन डी पी एंड एफसी, अब बताइए नेशनल के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड प्लस प्लस में, तो यहाँ पे एन एफ आई ए। ठीक है, अब देखिए नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड टू पार्ट में ब्रेक होते हैं, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फ्रॉम का मतलब आप जो विदेशों में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपने कंट्री को छोड़ के जब आप विदेशों में कोई गुड्स को या सर्विसेस को एक्सपोर्ट करते हो तो वहां से जो इनकम जनरेट होती है वहां पे मैं ऐड करता हूँ, और जब वहां से दूसरे कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जब मैं कोई प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज अपने कंट्री मंगाता हूँ उसे क्या करूंगा मैं माइनस करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ उसके लिए पेमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एनडीपीएफसी प्लस इन ब्रैकेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम
फ्रॉम नहीं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ऊपर का मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहां पे जगह कम पड़ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे एनडीबीएफसी की वैल्यू कितनी आई बताइए स्टूडेंट्स, 65,850। ठीक, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है स्टूडेंट्स, 800। ठीक, यहां पे 800 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 800 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड टू कितना दिया है बताइए स्टूडेंट्स, ये 300 है, माइनस 300। अब देखिए 65,850 माइनस 300 दैट इज द 500 और ये कितना हो गया, ठीक है ये हो गया आपका 66,350 रुपीस करोड़ में। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, एनएनपीएफसी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहले क्या किए, जीडीपी एमपी से कहां गए, एनडीपीएफसी पे जो कि आपका डोमेस्टिक इनकम हो, उसके बाद आपको नेशनल इनकम कितना निकला बताइए, 66,350। आई होप स्टूडेंट्स दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू ऑल, थैंक यू।